जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। आज हमारे साथ एक इंडिया के बहुत बड़े जाने माने एस्ट्रोलॉजर जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में और उनकी जर्नी कैसी है और किस तरह से वो आज हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं। तो आइए इस बारे में हम इनसे और जानते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। और थैंक यू सर, शुक्रिया, नवाज़िश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपके चैनल के सुनने वाले सभी दर्शकों का और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार और प्यार। बहुत शुक्रिया सर। सर, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका जो जीवन है वो कैसे आपने इस एस्ट्रोलॉजी में आप आए, ज्योतिष में आप आए, तो थोड़ा इसके बारे में आप हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज। जरूर। मेरा नाम प्रदीप भनोट है। मेरे पिताजी लेट श्री सर्वदमन कृष्ण भनोट, हम लोग दिल्ली से हैं। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा पब्लिशिंग का बिजनेस था। नाउ ही इज नो मोर। मैंने दिल्ली में अपनी सारी एजुकेशन की है। मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और अर्ली 90s में मेरा पिताजी का कारोबार था, तो हमें जिंदगी में उस टाइम पे कुछ ऐसी परेशानियां शुरू हुई जिनका हमें हल नहीं मिल रहा था। कुछ फाइनेंशियल परेशानियां, कुछ जिंदगी की आपाधापी में अजीब सा कुछ कारोबार में प्रॉब्लम्स, थोड़े हेल्थ इश्यूज, घर में हर तरह की प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने बहुत ढूंढने का, अपने तरीके से हर तरीके से इलाज करने की कोशिश की तो नहीं फर्क पड़ा। तो हमारा झुकाव ज्योतिष की तरफ हुआ। मेरे बड़े भैया और मेरे गुरु हैं ज्योतिष में, डॉक्टर अजय भंबी, ज्योतिष का एक बहुत जाना माना नाम है, और वो मेरे कजन है। तो उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया। हमने कुछ अपने ग्रह चाल देखी। उस टाइम पे कुछ समय अच्छा नहीं था, शनि का एक पीरियड था जो हम सब लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा था, मेरी सेहत, मेरे भाई साहब की सेहत, हमारे परिवार में कुछ फाइनेंशियल परेशानियां हो गई थी। तो ज्योतिष की मदद से हम उन परेशानियों से बाहर निकल सके, तो काफी हद तक बाहर निकले और हमने वापस अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छे मुकाम पे इस्टैब्लिश किया। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट 93 से ज्योतिष में जागा। और मैंने अपने भैया डॉक्टर अजय भांबी जी के साथ ज्योतिष के बहुत सी गहराइयों को जानने की कोशिश की, और उन्होंने भी एक बड़े भाई और गुरु होने के नाते मुझे ज्योतिष के बहुत से रहस्यमयी सूत्र सिखाए, समझाए। मैं उनके ऑफिस में उनके साथ रहा, उनके कंसल्टेशंस में मैंने बहुत वक्त उनके साथ बिताया। और मैं ज्योतिष का जो भी आज मुझे मेरा ज्ञान है ज्योतिष का, वो डॉक्टर अजय भांबी जी की वजह से है। हमने ज्योतिष का बहुत कुछ पढ़ा, समझा। उसके बाद 2005 में मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी प्रदीप भनोज तो कॉस्मिक वॉइस के नाम से, पंचकुला में। ओके। और ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं। मकाम मैंने हासिल किया है मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से। आज लोग मुझे जानते हैं प्रदीप भनोट नाम की, मतलब लोग पहचानते हैं मुझे, इंट्रोडक्शन देने की बहुत कम जरूरत पड़ती। प्यार है आप सब लोगों का जी। प्रदीप जी, आपने जो चीज बताई वो काफी बड़ी बात है कि भाई अर्ली 90s में आपके फादर्स के और आपकी परिवार के साथ ऐसा हुआ, जैसा कि कई बार होता है आदमी टूट जाता है इन सब चीजों में और जीवन की आशा खो के चीजों को नहीं बढ़ा पाता। बट आपने काफी अच्छे से चीजों को मैनेज किया और आज आप लोगों को सही राह दिखाने में अपने ज्ञान से कोशिश कर रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अभी जैसा कि मेरी आपसे बात हुई है तो आपने एक बात बताई थी हमें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तो इसके पीछे का कोई रीजन है या
आपकी अटूट श्रद्धा है बजरंग बली के प्रति, तो इसका क्या है सर? आदित्य जी, ऐसा है जिंदगी के मकाम में आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे रास्ता मिला है। ज्योतिष की समझ मुझे भैया की वजह से मिली और आध्यात्म की समझ आई बीन वेरी फॉर्चुनेट मैं कहूंगा। मेरे माता पिता का बहुत आशीर्वाद है मेरे साथ कि मेरे गुरु हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री राजकुमार घई जी, उन्होंने मुझे अध्यात्म के पथ पे एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करने में उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और आज मैं जो भी हूँ अध्यात्म में और दुनिया में भी कामयाबी में जहां तक पहुंचा हूँ वो मेरे गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। देखिए मैं मानता हूं कि अगर हम शादी करते हैं तो हम सिर्फ परिवार के लिए रह जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं अध्यात्म में मेरी शुरू से रुचि रही और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं इतने इंस्पायर हुआ कि अपना जीवन समाज के भले के लिए अगर लगा सकूं तो उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होगी। इंसान हूं अगर इतना सा कुछ कर सकूं तो बहुत बड़ी बात होगी। बाल ब्रह्मचर्य साधना पथ का एक रास्ता बन गया, उसकी मैंने बहुत कोशिश तो नहीं करी पर मेरे गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है कि आज मैं लोग मुझे पहचानते हैं, इस काबिल बन सका हूँ कि लोगों को अध्यात्म के बारे में समझा पाता हूँ थोड़ा बहुत, और खुद भी अभी इस रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सारी जिंदगी का रास्ता है, एक मोटिव बना लेता है इंसान। मैंने सोचा है कि अगर एक मकसद हो इंसान के पास तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है। मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु जी ने जिंदगी का वो मकसद दिया है कि मुझे लगता है कि मैं लोगों की खुशियों में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो शायद मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल सर, मेरी आशा है कि जो आप कह रहे हैं वो आप बिल्कुल हासिल करें और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। अभी यहाँ पे आपने एक चीज बताई कि आपने अपनी संस्था शुरू की, आपने कार्य शुरू की अपने, तो जब आपने काम शुरू किया होगा तो जैसा कि हमारे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे साधुओं में भी अब दो कैटेगरीज हो गई हैं, एक जो सच में आध्यात्मिक लोग हैं और एक जो थोड़े बस मोह माया त्यागा नहीं है, मोह माया में है परंतु साधु का वेश धारण करे बैठे हैं, तो ऐसी क्या परेशानी आपके सामने भी आई होगी खुद को प्रूफ करने की भाई कि नहीं हम सच में आध्यात्मिक हैं? क्योंकि सच को हमेशा प्रूफ करना पड़ता है, सत्य को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है, तो ऐसे क्या आपके सामने भी समस्याएं आई? बहुत बार लोगों ने गलत समझने की कोशिश की, तो जब उन्होंने मेरा जीवन शैली देखी, मुझे देखा, मुझसे मिले, बात की और जब उन्होंने समझा इस बात को तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं ढोंग नहीं करता हूँ, ये मेरे गुरुजी ने मुझे जीवन की शक्ति दी है कि मुझे ढोंग करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं बात करता हूँ या लोग मेरे से बात करते हैं तो उनके मन को वो शांति मिलती है कि अब उनको लगता है कि हम एक आध्यात्मिक इंसान से बात कर रहे हैं, किसी ढोंगी से नहीं। और यही मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है और आप लोगों का प्यार है कि हम यहाँ तक पहुंचे और इससे अभी बहुत आगे बढ़ना है। लोगों में भी अगर मैं वो विश्वास की ज्योत जला सकूं जो ज्योत मेरे में जली है, हम मिलके ही एक ज्योत से ज्योत जला सकते हैं कि वो एक एनलाइटनमेंट की वो रोशनी हम दुनिया में फैला सके। बहुत छोटा हूं मैं, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा और लोगों में भी वही विश्वास वही चेतना जगा सकूंगा, ये मेरी कोशिश है और विश्वास है। बिल्कुल, और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा श्रोतागणों को कि जो भी आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई समस्याएं है या आप नहीं समझ पा रहे तो सर की कॉन्टेक्ट डिटेल, सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जिससे आप सर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और मैं सर की एक बात पे अपनी बात रखना चाहूंगा, हालांकि ये कोई
बहुत इसका पुख्ता सबूत नहीं दिया जा सकता, बट हाँ मैं जब से सर के टच में आया हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मेरे सामने भी कुछ समस्याएं थी, ये कोई ये नहीं है कि मैं कोई सिर्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरे सामने भी समस्याएं थी, पूरी नहीं सॉल्व हुई, लेकिन मुझे उसके लिए एक रास्ते दिखने लगे जिसमें मैं फंसा हुआ था, और ये मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, बट हाँ इस चीज को मैं भी सही की बात से सहमत हूँ कि साहब पे आशीर्वाद तो जरूर होगा कि उनसे जुड़े लोगों को भी उनकी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। तो ये एक थोड़ा सा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो सर के साथ रहा बात करके उस पे है। साथ ही अब नया सर सवाल आपसे एक और है कि आपने जब ये सारी चीजें की होंगी तो आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आपने किस वर्ष में ये जर्नी स्टार्ट की और अभी तक आपने का एक्सपीरियंस जो रहा, जो चीजें रही वो कैसे ही रही। देखिए अध्यात्म का जो सफर होता है, एक्चुअली इस बात को थोड़ा क्लियर करता हूँ, बहुत लोगों में ये शायद मिसकंसेप्शन होते हैं कि हम चले हैं अध्यात्म की जर्नी पे, ऐसा नहीं होता आदित्य जी, अध्यात्म की जर्नी पे हम इस जन्म में नहीं चलते, ये तो हमारे कई जन्मों के संस्कारों का निचोड़ होता है कि हमें इस जन्म में सद्गुरु की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की शरण में हम पहुंचते हैं तो वो एक लौ जला देते हैं जो अंदर से हमारे चक्रों को जागृत करके हमें वो दृष्टि दे सके कि हम विवेक से काम कर सके। आपने विवेक और आनंद नाम सुना होगा ना, स्वामी विवेकानंद। जी 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 सर, बिल्कुल। ये अकेला नाम नहीं है, ये एक स्थिति है, ये एक सिचुएशन है, ये एक स्टेट है, इट्स अ मेंटल स्टेट। विवेक और आनंद इज विजडम एंड ब्लिस, ये अपने आप में अध्यात्म की परम सीमा है, उसको प्राप्त करने के लिए इंसान कई जन्म लगा देता है। उनको विवेकानंद स्वामी जी को भी जब रामकृष्ण परमहंस मिले तो वो कोई इनकी इसी जन्म की साधना या रास्ता नहीं था, बहुत जन्मों की साधना इकट्ठी होके इस जन्म में वो रामकृष्ण परमहंस की शरण में पहुंचे। मेरा भी कोई इस जन्म का नहीं है, बचपन से मुझे अध्यात्म का शौक था, मैं ध्यान लगाने की कोशिश किया करता था, पर हाँ जब मैं अपने गुरु जी से मिला, आध्यात्मिक गुरु जी श्री राजकुमार धे जी, तो सभी कुछ अजीब सा, मतलब बहुत जिसको कहते हैं एक आनंद की स्थिति में पहुंचा, मेरे को बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए जैसे ही मैं उनसे मिला, तो जब जैसे उन्होंने मुझे इस अपनी शरण में लिया, मुझे जिन एक्सपीरियंस से मैं निकला हूँ वो गुरु का, वो सदगुरु का ही आशीर्वाद है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझे बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए हैं और वो तजुर्बे मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अध्यात्म का पथ है एक अपना पथ है, वो हर कोई अपना एक्सपीरियंस खुद करता है। मुझे आनंद के बहुत क्षण मिले, आज भी मिलते हैं, जब भी कभी अकेला होता हूँ ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है और मेरा भगवान से संबंध जुड़ जाता है, अध्यात्म उस लौकिक सत्ता से, परलौकिक सत्ता से मेरा संबंध जुड़ जाता है कि मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा सोच सकता हूँ, और ये मेरे इस ज्योतिष के प्रोफेशन में, वास्तु कंसल्टेंसी में, और मैं स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ लोगों का, तो उसमें वो बहुत मदद करता है, वो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, मैं लोगों को ठीक से गाइड कर पाता हूँ, ये तो सिर्फ उनके आशीर्वाद से है, ये मेरे इस जन्म की कोई मेहनत नहीं है, ये तो कई जन्मों की मेहनत है, और सबसे बड़ी बात मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, मैं काबिल नहीं हूँ सर। ओके तो सर ये तो आपने बात एकदम सही की, और गुरु का महत्व काफी ज्यादा है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। तो सर अब मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ ये बता सकते हैं कि कैसे आपने इतनी बड़ी एक जर्नी सफर तय किया है, आगे भी आप बढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो आपका जो इंस्पिरेशन है, जो आपका अंदर से एक आवाज आती होगी, तो ये आवाज हर किसी को सुनाई देती है, जिसे हम आत्मा की आवाज कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमारी आत्मा हमेशा हमें जवाब देती है चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तो आपकी को कब इस बात का बहुत
लोगों को आवाज आती, तो आपने कब अपनी आत्मा से खुद को ऐसा जोड़ा कि आप वो अटूट रिश्ता बना पाए जिसे सच में जीवन कहते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा सर हमें बताएं। देखिए सर, ये रास्ता जब मैंने ये सोचा उस टाइम मैं स्कूल में था, मतलब मेरे परिवार को भी थोड़ा अजीब लगा जब वो मेरे को देखते थे, मैं ध्यान में होता था। तो जब मैंने वो फैसला लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो परिवार पर उनका प्यार और आशीर्वाद इतना है आज भी, उन्होंने मेरा इसमें साथ दिया, मुझे रोका नहीं साधना पथ पे बढ़ने से। तो वो एक कॉलिंग, मैं स्कूल में था, आई थिंक 11th 12th में होऊंगा जिस टाइम मेरे को ये कॉलिंग अंदर से जागी। एग्जैक्ट टाइम तो अब मेरे को याद नहीं, उम्र का बहुत मैं उम्र तो नहीं बता सकता, मुझे वो याद नहीं है, बट उसमें हो गए काफी साल हो गए। उस टाइम मैं 11th या 12th में था, स्कूल में था। जिस टाइम एक दिन मैं थोड़ा ध्यान में बैठा था तो मुझे अजीब सा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, और उस टाइम मुझे कॉलिंग लगी कि अब मुझे थोड़ा इस तरफ जुड़ना है। फिर जिंदगी में परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि ज्योतिष में इंटरेस्ट जागा, ज्योतिष के बाद फिर सदगुरु से मिलना हुआ, मेरे अपने गुरु जी से, श्री राजकुमार भाई जी से, उनसे मिलके तो सारे पर्दे और सब कुछ अंधेरा हट गया, और वहां जाके सब कुछ क्लियर हो गया। तलाश तो मुझे भी जिस रास्ते की थी वो सदगुरु की शरण में ही मिला। बिल्कुल जी सर, ये एक बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो जीवन में लोग भाग रहे हैं, उन्हें सच में जीवन जीने का सही मतलब अभी तो पता ही नहीं है, वो भौतिक सुखों के पीछे इस तरह भाग रहे हैं कि मतलब शायद उन्हें वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। तो ये तो इसलिए गलती इंसान की भी नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। देखिए क्या है कि ना, ये आपाधापी का से भरा हुआ वक्त है जी, एम्बिशन है, एस्पिरेशन है लोगों की, कलयुग है, टेलीविजन, सोशल मीडिया, हर चीज का इन्फ्लुएंस है, तो हर कोई अपने आप को एक दूसरे से आगे चाहता है। डिटैचमेंट और कंटेंटमेंट नहीं है, मतलब हम इस बात को नहीं समझ पाए। सर हम पुराने ग्रंथ पढ़ते हैं, कोट करूंगा रामायण में से, अगर आप परमिशन देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज सर। मैं कहीं सुन रहा था कुमार विश्वास जी किसी दिन कहीं पे रामायण की व्याख्या कर रहे थे, और मैं उस ऑडियंस में बैठा था, आई वॉज एन इन्वाइटेड देयर। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि राम और रावण में फर्क क्या है, कि राम के पास जो कुछ था वो पर्याप्त था जब वो जंगल में थे वनवास के दौरान, और रावण के को जो सब कुछ प्राप्त था वो उसे पर्याप्त नहीं लगा। तो ये हमारे अंदर का ही राम और रावण है जो आपस में लड़ते रहते हैं, बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। राम और रावण तो हमारे अंदर ही है, हमें तो खुद ये अंदर झांक के देखना है कि हम किसकी बात मान रहे हैं। राम आज भी जीवित है हम सबके अंदर, और रावण भी हमारे अंदर ही है। ये तो हम अपने अच्छाई के पक्ष को जागृत कर पाते हैं या बुराई के पक्ष को, ये तो उसमें है। रावण कोई बाहर से 7 सींग वाला या 10 सिर वाला इंसान नहीं है, और राम भी जो हमारे अंदर है वो कोई ऐसे भगवान नहीं है, वो तो हमारी अंतर आत्मा ही है, दोनों चीजें हमारे साथ ही हैं। और यही ऋषि मुनियों ने भी कहा है, ग्रंथों में भी यही लिखा है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा आदित्य जी? नहीं, बिल्कुल सही सर, आप एकदम सही बात कर रहे हैं ये जी। और हमारे श्रोता भी आई थिंक इस बात को मानेंगे कि जब हम भी कभी कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो एक बार ना मन में कहीं आवाज उठती है कि यार गलत तो नहीं है, वो शायद हमारे अंदर बैठा राम हमें झकझोरता है, तो हम उसकी बात टाल के रावण की सुन लेते हैं। वो कहता है कोई नहीं यार, थोड़ा सा कर लो, क्या फर्क है, बाद में देखेंगे। यही होता है, यही एक जागृत अवस्था होती है, यही सुप्त अवस्था होती है। जागृत अवस्था में रहने का मतलब ये नहीं होता कि हमारी आंखें खुली हैं, हम जाग रहे हैं, और सुप्त अवस्था में होने का मतलब ये नहीं होता, मैं माफी चाहूंगा, ये थोड़ी सी अध्यात्म, थोड़ी सी स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ी बातें हैं, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से जी जी। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सो रहे हैं, हमारी आंखें बंद हैं,
जागृत और सुप्त अवस्था का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम आसपास की परिस्थिति से कितना जागृत हैं और आसपास की परिस्थिति से कितना सुप्त हैं या निर्लेप हैं। दैट्स इट, वही होता है, वही ग्रंथों में लिखा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। देवता और राक्षस हम सबके अंदर है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम अपने कौन से पक्ष को ज्यादा जागृत और प्रबल करते हैं, ये हमारी अपनी शक्ति कह लें या कमजोरी कह लें। बिल्कुल, जब हम जन्म लेते हैं, आपने सुना होगा, मैं एक छोटी सी बात कोट करूंगा, बहुत से ग्रंथों में लिखी है और आप भी मेरा साथ देंगे और मैं मानता हूँ कि शायद मेरे श्रोता भी मेरा साथ देंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जब इंसान माँ के पेट में होता है, जब बच्चा वूम होता है, जब वो डेवलप हो रहा होता है ना, तो जब उसका मस्तिष्क डेवलप होता है, तो उस बच्चे को अपनी जिंदगी के हर जन्म के किए हुए कर्म याद आते हैं माँ के पेट में, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं कहता। जी 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 बिल्कुल, और बहुत से ऋषि मुनि और जितने भी अध्यात्म के ज्ञाता हैं इस बात को मानते हैं। तो बच्चे को जब सब चीज का एहसास होता है, तो जब वो उसकी नाभि काटी जाती है, वो माँ के होम से बाहर आता है, तो वो रोता है क्योंकि उसको पता है कि मैं माया जगत में आ गया हूँ। उसके ऊपर एक दम से माया का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि वो अपने पिछले संस्कार भूल जाता है, नई दुनिया में आ जाता है। और जब वो प्राण छोड़ता है, तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा आता है, बच्चा रोता है, परिवार खुश होता है। जब वो इंसान, वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो वो खुश होती है और आसपास वाले रो रहे होते हैं। ये माया जगत है, माया का असर है, हम उसे अपना मानते हैं जो कभी अपना था ही नहीं। बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, आज जो हमारे माता पिता बने हैं, वो तो शरीर है, वो आत्मा तो हमेशा अजर अमर रही है। ये तो श्री कृष्ण भगवान जी ने भी गीता में कहा है, और उन्होंने भी यही कहा कि हर चीज उन्हीं को मानो और उन्हीं को अर्पण करो, वही सच्ची भक्ति है। भक्ति, धर्म को हमने रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, वो कुछ मेरे जैसे गलत लोगों ने अपने फायदे के लिए हमने ड्यूटी को, धर्म को रिलीजन का डेफिनेशन दे दिया, जबकि कृष्ण भगवान ने धर्म को ड्यूटी माना है। हम एक अच्छा इंसान होने के नाते, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पुत्र, एक अच्छा दोस्त होने की क्या जिम्मेदारी निभाते हैं, वो हमारा धर्म है। धर्म वो है, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि भगवान को पाने के लिए मंदिर की घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, कर्म योग है। जिस पर उन्होंने इतना बड़ा गीता की रचना की, उन्होंने कहा कि आप सब सारे कर्म करो और मेरे पे छोड़ दो, मैं देखूंगा। तो वो जो मनुष्य इस रास्ते पे चलता है, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, उसको उसके भगवान अपने लोक लेने के लिए, ले जाने के लिए आते हैं। और ये लोगों का एक्सपीरियंस है, मैं कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में आए हैं जब उनके घर वालों ने देखा है कि उनको लेने के लिए कोई यान आया, दिव्य यान, जिसमें वो आत्मा गई है। ऐसे तजुर्बे अध्यात्म रूप, आध्यात्मिक तौर पे ज्ञानी लोगों ने दर्शन किया है। यही हमारी स्थिति है, आत्मा की जो अंतिम पुकार है, जो अंतिम भूख है, वो तो भगवान के चरणों में इस पूरे माया, इस जो कॉस्मोस है, जो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्म तत्व है, उसमें लीन होने की है। बाकी तो माया जगत है, ये तो जो हम दुनियादारी कर रहे हैं, ये तो माया जगत के फर्ज है। हमें इससे, जो जागृत मनुष्य है, जागृत अवस्था में है, वो ये सब करते हैं निर्लेप रहते हुए। निर्लेप का मतलब सर आप शायद समझते होंगे। जी बिल्कुल, जिसमें मतलब वो अटैच, डिटैच रहते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां डिटैच होके पूरी करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ इतना सा है, जो इस पक्ष को समझ जाता है वो भगवान को पा लेता है, अपने भगवान को। जो नहीं समझ पाता उसको कई जन्म लग जाते हैं, वापस जन्म लेते हैं, फिर वो 84 लाख योनियों में से होके गुजरना पड़ता है। इतना सा ही है और कुछ नहीं है। अध्यात्म अपने आप में गूढ़ है, पर अगर जो उसको समझ पाए तो वो एक बहुत
छोटा सा सूत्र है जिसको कोई समझ लेगा, कृष्ण भगवान ने उसको बहुत समराइज करके बहुत छोटा सा कहा है, मतलब उसको सारी समरी की है कि अपने कर्म करो और सब मेरे चरणों में अर्पण कर दो तो मैं आपको अपना लूंगा। हम इसे ही समझने में बहुत वक्त लगा देते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हम कोशिश करें तो बहुत आसान है, एक कदम बढ़ाने की कोशिश है, सामने से भगवान तो अपने आप आ जाते हैं, आपके भगवान। बिल्कुल सही बात है, बट इस बात पे तो मैं अगर कहूँ तो बहुत जो बात आपने बोली है इस बात को समझना हर किसी के बस का नहीं है। आज अगर मैं गीता में बात करूँ तो कर्मण्येव वाधिकारस्ते करके एक श्लोक है जिसमें खुद श्री कृष्ण जी ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और फल मुझ पे छोड़ दो जी, जो भी होगा वो अच्छा होगा, हम सब ये बात जानते हैं, पर अगर कुछ भी हमारे कर्म करने के बाद अच्छा नहीं होता तो हमारा जो सबसे पहला ब्लेम जाता है, जो हम सबसे पहले आरोप लगा जाता है, सीधे भगवान को कहते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अच्छा है लेकिन उस समय हम नहीं समझ पाते तुरंत वो बात। एक्चुअली हम लोगों की हम शायद पूरी तरह से ना निर्लेप हो नहीं पाते, हम थोड़ा सा माया से जुड़े रहते हैं, थोड़ा सा अपने को भगवान को अर्पण करते हैं, हमारा एक कदम हमेशा पीछे रहता है। भगवान तो हमारे लिए 100 कदम डर के आते हैं, वो कहते हैं एक कदम तो ईमानदारी से उठा ले, पर हमारी वहां भी चलाती रहती है, ये हमारा ना थोड़ा सा एक्चुअली इंसान में जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं पीछे रोकती है, क्योंकि भक्ति में बुद्धि से ज्यादा मन की आवश्यकता है, विश्वास की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, वो बुद्धि कहीं बीच में टांग लाती है या अंदर बैठा रावण तत्व मानने चले, हम उसको इंसान की बुद्धि को नहीं वो ब्लेम करते, चले वो अपने आप में परिष्कृत है, जो अंदर हमारे शैतान बैठा है वो हमें रोकता है, तो हम एक कदम आगे भी बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा पीछे रखते हैं, तो भगवान वहां देख के वो भी कहता है कि चलो इंसान है, बच्चा है, तो वो तो भगवान है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो कहते बच्चा खेलना चाहता है चलो खेल ले, वो हमें रोकते नहीं है, वो फिर भी एक अच्छे पिता की तरह हमारे हमेशा साथ रहते हैं, आपके भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आप बढ़ने की कोशिश करें, आपको भगवान का एहसास हर पल होगा। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा है सर ये बात आपकी। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि इस समय जो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जो अपनी लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो किस किस तरह से लोगों को सेवा देते हैं, जैसे आपने एक मुझे बताया एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, तो क्या क्या आपकी सेवाएं अभी आप प्रदान कर रहे हैं समाज को, थोड़ा आप उसके बारे में बताएं सर हमें। बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी डिटेल में जी। मैं एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, कोई भी मेरे से कुछ पूछना चाहे जन्म पत्री बना के मैं उनको गाइड भी करता हूँ, साथ में मैं वास्तुशास्त्र कंसल्टेंसी भी देता हूँ, वास्तुशास्त्र आप सब समझते हैं भूमि से रिलेटेड विज्ञान है, जिसमें हम डायरेक्शंस बेस करके आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जहाँ आप रहते हैं उसमें एक हार्मनी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जिस मकान में भी आप रह रहे हैं वहाँ आपको पूरी तरह से आप आध्यात्मिक तौर पे, भौतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आगे बढ़ सके, किसी तरह की कमी ना आए, वास्तुशास्त्र है। फिर मैं स्पिरिचुअल कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ, कुछ लोग हैं जो मैं इस कार्य पे नहीं, गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, कुछ लोग मेरे से आध्यात्मिक साधना के पथ पे भी मार्गदर्शन मांगते हैं तो मैं बिल्कुल देता हूँ, इस काबिल तो नहीं हूँ पर कोशिश करता हूँ कि वो आगे बढ़ सके, वो अपने अपने भगवान को पा सके, ये कोशिश है, इतनी सी सर्विसेज हैं। बाकी एक मेरी संस्था है प्रदीप भनोज कॉस्मिक वॉइस फाउंडेशन, उसके थ्रू हम थोड़ा सा समाज में कुछ अच्छाई फैलाने की, कुछ सेवा करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत से लोगों का सहयोग है, और मैं अभी उसमें और कुछ भी जोड़ना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि जो ब्राह्मण परिवार हैं, जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो कोरोना के टाइम पे या जो बुजुर्ग हो चुके हैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको इनकम के स्रोत लिमिटेड है, तो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है प्रदीप भनोज कॉस्मिक वॉइस के नाम से, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि सब ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को जो ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखते हैं और जिनको आजकल इनकम नहीं हो पा रही,
एज की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से, हम उनको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं कि उनका एक रोजगार बन सके, वो बुढ़ापे में भी एक इज्जत की लाइफ लीड कर सके। कोशिश है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, आप सब लोगों का प्यार और दुआएं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, ये काफी अच्छे प्रयास है आपके, और मैं जैसा कि आपको सुन रहा था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये सोचना समाज किसी और, अपने लिए तो सब सोचते हैं बट दूसरे के लिए ही सोचना, समाज के लिए सोचना ही मानवता है, जिसका आपने बताया। और बिल्कुल आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती, वो हमेशा जीतता है। मैंने गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है सर, कोई ऐसी बात नहीं, हम जिंदगी में कुछ ना कुछ करेंगे उनके लिए, मेरी कोशिश है कि कुछ कर सकूं और जरूर करेंगे। हम भी यही आशा करते हैं। और साथ अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप हमारे समाज के लोगों को, जो लोग राह से भटक जाते हैं या जो लोग अपनी राह जानना चाहते हैं, जो जीवन का सही मतलब जानना चाहते हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज है सर, क्या संदेश देना चाहते हैं आप उन्हें? देखिए, मैं अपने उन बच्चों के लिए, उन भाई बहनों के लिए, खैर मैं मैसेज देने वाला इतना बड़ा तो मैं नहीं हूँ, पर मैं उनको सिर्फ इतना ही समझाऊंगा कि जब भी गलत कदम की ओर आगे बढ़ते हैं, एक बार दिल पर हाथ रख के सोचें कि जो मैं करने वाला हूँ क्या उससे मैं आगे बढ़ूंगा, कहीं मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, कहीं मैं अपने घर वालों को दुखी तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मेरे इस काम से किसी को नुकसान तो नहीं है। अगर दिल पर हाथ रखकर गहराई से पूछेंगे ना तो नॉर्मली सही जवाब आता है। अंदर बैठे जो राम है, जो अंदर बैठी सात्विक शक्तियां हैं, वो आपको ठीक रास्ता दिखाती हैं। उनकी सुने, और अगर उनकी नहीं, अगर आप ऐसा सुनते हैं और समझ नहीं पाते हैं, तो आपके आसपास जो भी गुरु हैं उनकी शरण में जाएं, उनसे रास्ता पूछें, नहीं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ आता है तो एनीबडी कैन गिव मी अ कॉल, आई सी टू इट कि मैं जो कर सकता हूं मैं आपके लिए करूंगा। बिल्कुल सही बात है सर, और ये मैं भी कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को, श्रोतागणों को, कि वो अगर किसी भी चीज पे कठिनाई महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक गाइडेंस मिल सके, एक सलाह मिल सके, तो सर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लस सर का जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं सर, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप सर से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और अपने जीवन की जो चीज है, जो सलाह आपको चाहिए, वो आप सर से पूछ सकते हैं और अपने जीवन को एक आसान तरीके से सफल बना सकते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य को ये मौका नहीं मिलता कि वो अध्यात्म में उस तरह से या सच में जीवन का सही मतलब जान सके। तो मैं भी चाहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं वो भी एक सही मार्ग को, अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाए, ना कि अपनी नकारात्मक शक्तियों को। और साथ ही मैं साई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की और इतना टाइम दिया हमें कि वो अपनी पूरी चीजों को शेयर करें, और उन्होंने अपने जीवन की कई सारी वो बातें बताई जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं, हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे, चाहे वक्त कैसा भी क्यों ना हो, अपने अंदर की पॉजिटिविटी, अपने अंदर की अच्छाई को मारना नहीं चाहिए, उसे दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और पोषित करना चाहिए, उसे और बढ़ावा देना चाहिए कि वो कैसे समाज का कल्याण हम कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, आपने अपना टाइम लिया, अपना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके श्रोताओं के लिए बहुत बहुत गुड विशेस। अपने अंदर ही अपने भगवान को ढूंढने की कोशिश करें, यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है और यही मेरा प्यार है आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे।